वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज का जो ये जो वीडियो है हमारा इकोनॉमिक्स का, ये काफी इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के बारे में सोचने के लिए, तो अच्छा से इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास और समावेशी विकास के बारे में, यानी क्या होता है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट और फिर क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सतत विकास को। तो देखिए, अगर इसको केवल एग्जाम के पर्पस से पढ़ें कि सतत विकास समावेशी विकास या आप क्या समझते हैं इसको लिखिए, तो बस आपको इतना लिख देना है सतत विकास ये होता है, समावेशी विकास ये होता है। लेकिन एक देश के अच्छा नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या सोचना है इसके बारे में, उस चीज को भी हम समझाएंगे। तो एंड तक देखिए, उसके बाद इससे इसको काफी इंटरेस्टिंग बनाइए। तो देखिए, सतत विकास का मतलब होता है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। यानी हम विकास की ऐसा कार्य करें जिससे हमारी वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं तो पूरा हो, लेकिन साथ ही साथ भावी पीढ़ियों के योग्यता पर, हमारे भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां है उसकी योग्यता और क्षमता पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े, इस हिसाब से हम विकास का कार्य करें, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। देखिए, ये चीज तो डेफिनेटली सही है कि सतत विकास वैसे विकास को कहते हैं जो कंटिन्यू रह सके, बिकॉज कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट नाम ही है ना इसका, कि विकास की वैसी प्रक्रिया जो निरंतर जारी रहे, जो हमेशा कंटिन्यू बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। लेकिन यहां पे आपको भावी पीढ़ियों के, भविष्य की में आने वाली जो पीढ़ियां है उसके स्थिति के बारे में भी हमें सोचना है। अब आइए हम बताते हैं समावेशी विकास के बारे में। तो देखिए, विकास की वैसी प्रक्रिया को हम समावेशी विकास कहते हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, यानी ऐसा विकास किया जाए जिससे हमारे सोसाइटी में जितने भी वर्ग के लोग रहने वाले हैं सबका लिविंग स्टैंडर्ड, सबका जीवन स्तर क्या हो, हाई हो, ऊंचा हो, और साथ ही साथ उस विकास के लाभ से समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, तो फिर ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। अब आइए इन दोनों के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछेगा सतत विकास और समावेशी विकास आप क्या समझते हैं, तो आप इसको इतना डील करोगे। लेकिन अब आइए हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते इसको समझते हैं। तो अब कुछ समय के लिए सोचिए आप लोग कि आजकल हम लोग जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं, आजकल हम लोग जिस हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग मिट्टी का यानी भूमि का जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग हवा वगैरह का जो यूज हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, या जल वगैरह का जो दोहन हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, या जो भी प्राकृतिक संसाधन है जिसको जो जनरली अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जो समाप्त होने वाला संसाधन है, जैसे मान लीजिए कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, या प्राकृतिक गैस हुआ, प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह, तो ये सब ऐसे संसाधन है हमारे जो समाप्त हो जाने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे संसाधनों का तेजी से हम यूज करते जा रहे हैं, और हमें पता है कि ये मतलब समाप्त होने वाले संसाधन है, तो ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें ऐसे संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, यानी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और तब दिमाग का इस्तेमाल करके और तब हमें इन सारे संसाधनों का यूज करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए इसे एक संकट के रूप में उत्पन्न हो जाए। जैसे देखिए, आज की वर्तमान समय की भी अगर हम लोग बात करें तो बिजली का सबसे अधिक उत्पादन जो है हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के माध्यम से भारत में आज भी सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन ये करता है। इसको हम एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इनकी इसी के द्वारा आज भी भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। और चूंकि
हमारे पास और भी बहुत सारे विकल्प है, जैसे हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो मेरा सोच क्या होना चाहिए, हम लोग की सोचनी चाहिए कि जो ये अनवीकरणीय ये जो संसाधन है जो समाप्त हो जाने वाले हैं, अगर इसको हम समाप्त कर देते हैं तो भावी पीढ़ी के लिए एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए इसके अतिरिक्त तो जो दूसरा विकल्प है हमारे सामने, हमें उसका यूज करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों पर कोई संकट ना आए। और इस प्रकार की अगर विकास करना हम शुरू करेंगे तब जाकर उसको हम सतत विकास कह पाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, समझिए कि कृषि क्षेत्र में हमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए हम तरह तरह के रासायनिक उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव खेतों में कर रहे हैं। ठीक है, करंट ईयर का उससे क्या होता है कि करंट ईयर का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन रियल मायने में देखा जाए तो वैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है, लेकिन इस मिट्टी की उर्वरता कम होने का डायरेक्टली असर हमें नहीं दिख पाता है, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो उसको जरूर देखेगी। साथ ही साथ हम लोग जो भी अपनी दैनिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट के कार्य, सब देखिए ना, बहुत सारे कल कारखानों का, उद्योगों का स्थापना हो रहा है और ये प्रोडक्शन का काम कर रहा है, लेकिन इससे निकलने वाली जो धुआं है, वाहनों से, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से जो निकलने वाली धुआं है, ये हमारे हवा में जाकर वायु को प्रदूषित कर रही है। हम बहुत सारे दैनिक एक्टिविटीज हम ऐसे करते हैं, जैसे कल कारखानों से, बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाला जो केमिकल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सारे चीज हम लोग जल में प्रवाहित, तो इससे जल प्रदूषण हो रहा है, हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, हम मृदा प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये सब जो प्राकृतिक संसाधन जो नेचर के द्वारा हमें, मतलब एक अनमोल धरोहर के रूप में हमें जो मिला है, उसको हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन इसका बुरा प्रभाव डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें हमें भी दिख रहा है, लेकिन हमको अभी फील नहीं हो रहा है कि ये चीज बुरा हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं किए तो हमारी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उसके लिए काफी बड़ा संकट, संकट तो हमारे लिए भी है लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट इतना अधिक रूप, विशाल रूप धारण कर लेगा कि उससे वो बच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान नहीं हो, कोई संकट नहीं उत्पन्न हो, तब जाकर ऐसे डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम सतत विकास मानेंगे। तो देखिए, हम लोग समावेशी विकास को भी थोड़ा डीप में जाकर समझते हैं। आपको हम कुछ देश का एग्जाम्पल रखते हैं। आप लोगों ने नॉर्वे का नाम सुना होगा या स्वीडन, डेनमार्क, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं, ये ऐसे देश हैं जो मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसका HDI रेट जो है हमेशा हाई रहता है, ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। इसका अब देखिए, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के लोगों का जो, या मतलब इन देशों में राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो एक समान है। यहाँ के सभी लोग लगभग एक समान आय अर्जित करते हैं। यहाँ के लोग ना कोई ज्यादा धनी है और ना कोई ज्यादा मतलब गरीब है, सब कोई लगभग एक समान सबकी आर्थिक स्थिति है, जिसके चलते यहाँ के सभी लोग खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन लेवल, सब चीज अच्छा है। तो मतलब यहाँ ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ समावेशी विकास को हमेशा ध्यान में रखा गया, मतलब ऐसे डेवलपमेंट के काम किए गए जिससे इन देशों के सभी वर्ग के लोगों का जो जीवन स्तर है एक समान रूप से ऊपर उठता गया, यानी यहाँ पे समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया। तो हमें भी अपने देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज समावेशी विकास हमारे देश के सभी जनता के खुशहाली के लिए काफी आवश्यक है। तो सतत विकास और समावेशी विकास के बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को समझा और आज हम लोग बस इतना ही रहने देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियोस तक भी। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे हमारे देश में आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, हमारे देश में योजना आयोग का गठन हुआ था वो किस प्रकार काम करता था, आज नीति आयोग किस प्रकार काम करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद और फिर पंचवर्षीय योजनाओं वगैरह के बारे में अगले क्लास में।